हेलो एवरीवन, न्यूज बाय स्कोप से बॉलीवुड की तमाम खबरों के साथ मैं हूं पूर्णिमा। आज आपको बताएंगे कि किसके लिए दिन खास और कौन है जिस पर गिरा गमों का पहाड़, कौन कर रहा है सेलिब्रेट और किसके बेटे ने किया अपने फादर को ट्रोल, साथ ही कौन है वो जोड़ी जिसे फैंस देख हुए खुश। एक एक कर सारी बातों पर होगी चर्चा। मिर्जापुर के मुन्ना भैया और उनकी लव स्टोरी, करण जौहर के बेटे ने उड़ाया पापा का मजाक, जानवी कपूर के फिल्म का आया फर्स्ट लुक, वहीं कार्तिक और सारा हुए अनकंफर्टेबल और बी प्राक का टूटा गमों का पहाड़। मिर्जापुर के मुन्ना भैया हुए 39 साल के और उनके बर्थडे के इस मौके पर चलिए बताते हैं उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। वैसे तो उनकी रियल लाइफ को लगभग सभी जानते हैं, पर उनके रियल लाइफ से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। क्या आपको उनकी लव स्टोरी के बारे में पता है? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने किससे शादी की, कौन है उनकी रियल लाइफ पार्टनर और क्या इनकी पूरी कहानी? चलिए बताते हैं आपको सारी बात। मिर्जापुर सीरीज का नाम तो आपने सुना ही होगा, और जब बात मिर्जापुर की हो तो हमारे मुन्ना भैया को कौन नहीं जानता। वेब सीरीज में अपने भौकाल से इन्होंने दर्शकों के दिल में जबरदस्त जगह बना ली है। इनकी एक्टिंग हैरान कर देने वाली नजर आई है। मुन्ना भैया का किरदार करने वाले एक्टर का रियल नाम दिव्यांदु शर्मा है। हालांकि इससे पहले फिल्म प्यार का पंचनामा में दिव्यांदु ने अपनी एक पहचान बना ली थी। अब आपको बता दें कि मुन्ना भैया 39 साल के हो गए हैं और उनके बर्थडे के मौके पर चलिए आपको दिव्यांदु शर्मा की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बात बताते हैं। क्या आपको उनकी लव स्टोरी पता है? चलिए जानते हैं कौन है वो जिसे हमारे मुन्ना भैया ने शादी की है। तो आपको बता दें कि उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी की है। इनकी लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। दिव्यांदु ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मुलाकात आकांक्षा शर्मा से कॉलेज के समय में हुई थी। दोनों की पक्की दोस्ती हुई और कुछ 6-7 साल तक दोनों दोस्त ही रहे। वैसे तो दिव्यांदु शर्मा की ओर से पहले ही दिन से आकांक्षा के लिए दिल में प्यार था, लेकिन वह कभी इसे इजहार नहीं कर पाए। 6-7 साल तक बेस्ट फ्रेंड रहने के बाद दोनों के बीच प्यार हुआ। साल 2011 में जब दिव्यांदु शर्मा ने फिल्म प्यार का पंचनामा से बॉलीवुड डेब्यू किया, तब जाकर उन्होंने आकांक्षा शर्मा को अपने दिल की बात बताई। वैसे तो करण अपने पाउच पिक्चर्स के लिए काफी फेमस है, पर लगता है उनके बेटे की राय उनसे अलग है। भले ही पापा को ये लुक पसंद हो, पर बेटे का इस पर कुछ और कहना है। आखिर करण के बेटे ने उन्हें क्या सलाह दी, किस बात पर उड़ाया मजाक, क्या कुछ कहा बेटे ने, देखिए। वो कहती है ना कि कुछ चीजें आपको बड़े नहीं बल्कि बच्चे सिखा जाते हैं। कभी कुछ सीख आपको अपने खुद के बच्चों से मिल जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ करण जौहर के साथ, जहां उनके खुद के बेटे उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल करण ने अपने इंस्टा हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें करण के बेटे अपने पापा को पाउट करने से मना कर रहे हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहा उनके बेटे ने। करण ने भी यही सवाल किया तो नन्हे यश ने अपने क्यूट से आवाज में कहा कि मुझे नहीं पसंद जब पापा ऐसे पोज करते हैं। फिर वह पापा करण का आइकॉनिक पाउच बनाते हैं। बेटे को देखकर करण जोर से हंस पड़ते हैं और वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में कहा कि मुझे पाउच शेम किया जा रहा है। वैसे तो अपने चुलबुले अंदाज से जानवी अपने फैंस का दिल लगाए रखती हैं, कभी फनी वीडियोस तो कभी डांस वीडियोस बनाकर। पर इस बार एक्ट्रेस ने अपने फैंस को किसी और कारण से खुश किया है। क्या है फैंस के खुश होने की वजह और आखिर क्यों जानवी से मांगा फैंस ने गुड लक, आइए डालते हैं नजर। एक्ट्रेस जानवी कपूर अपने फैंस के लिए कुछ नया लेकर आ रही हैं। आपको बता दें कि उनकी अपकमिंग फिल्म गुड लक जेरी अपनी रिलीज के पहले से ही सुर्खियों में है, और अब एक्ट्रेस ने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्ट करते हुए अपने चाहने वालों की बेसब्री को राहत दी है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि निकल पड़ी हूँ मैं एक नई एडवेंचर पर, गुड लक नहीं बोलोगे।
मूवी 29 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। फिल्म में जानवी के अलावा डोबरियाल, मीता वशिष्ठ, नीरज सूद और सुशांत सिंह। चलिए बात करते हैं एक मशहूर जोड़े की। एक समय था जब इनके लिंकअप की खबरें सुर्खियां बटोर रही थी, फिर कुछ समय बाद उनके ब्रेकअप की बातें सामने आई। अब ऐसे में फैंस इस खबर से काफी मायूस हुए। इसकी बात कर रहे हैं, इसका गाना याद आता है, शायद कह सकूं तुमको। अब इस शायद गाने से आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, बात हो रही है कार्तिक और सारा की, जिनका हुआ फिर से आमना सामना। क्यों हुए दोनों अनकंफर्टेबल और किसने मिलाया इन्हें, देखिए आगे। अब तक सुना था कि चीजें घूमकर वापस आती हैं, लेकिन अब इसका जीता जागता उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। आप भी जानना चाहते होंगे कि कैसे, तो चलिए आपको कुछ साल पीछे ले चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं, बस 2018 तक। यही वो साल था जब सारा अली खान और कार्तिक आर्यन की जोड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। एक बार फिर इनकी बातें होने लगी और वजह वरुण धवन है। 2018 में एक इवेंट के दौरान रणवीर सिंह ने सारा अली खान और कार्तिक आर्यन को एक दूसरे से मिलवाया था। रणवीर सिंह ने ये कदम सारा की खुशी के लिए उठाया, क्योंकि सारा नेशनल टेलीविजन पर ये कबूल चुकी थी कि कार्तिक आर्यन उनके क्रश हैं। इसलिए रणवीर ने मौके का फायदा उठाते हुए कार्तिक से सारा की मुलाकात करा डाली। 4 साल बाद अब यही काम वरुण धवन ने किया। मुंबई में हुए एक इवेंट के दौरान कार्तिक आर्यन, वरुण धवन, कृति सेनन और सारा अली खान की मुलाकात हुई। वहीं सारा और कार्तिक को साथ देख सारे कैमरे उनकी तरफ घूम गए। सोशल मीडिया पर इवेंट के कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं। इसमें से एक वीडियो में वरुण धवन सारा का हाथ पकड़कर उन्हें कार्तिक के पास ले जाते हुए दिख रहे हैं। दोनों का ये अचानक से आमना सामना होना एक काफी अनकंफर्टेबल मूवमेंट हो जाता है, और ये दोनों के चेहरे पर साफ झलक रहा था। पर किसी तरह दोनों मैनेज करते हैं और पैपराजी के लिए तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फैंस उन्हें एक साथ देख काफी खुश हैं और ऐसे ही उन्हें आगे भी साथ देखने की उम्मीद कर रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर पी प्राक के ऊपर गिरा गमों का पहाड़, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने फैंस के साथ शेयर की है, देखिए क्या है वजह। बॉलीवुड से बड़ी खबर सामने आई है जिससे लोग काफी उदास हो गए हैं। दरअसल मशहूर सिंगर बी प्राक पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सिंगर दूसरी बार पिता बनने की बात से काफी खुश थे, पर इस बात की उनकी ये खुशी अधूरी रह गई। जन्म के तुरंत बाद उनके न्यू बॉर्न बेबी की मृत्यु हो गई, जिसकी खबर सिंगर ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की है। बी प्राक ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि बहुत दुख के साथ हम लोग ये शेयर कर रहे हैं। हम सभी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने पूरी जान लगा दी। हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि हमें अपनी प्राइवेसी बनाए रखने दें।